देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर काला ढूंगी से, स्थानीय प्रशासन ने विद्रामपुर चकुलवा में लघु शिविर आयोजित किया। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन ने मंगलवार को विद्रामपुर चकुलवा में लघु शिविर आयोजित किया। SDM गौरव चटवाल व तहसीलदार प्रियंका रानी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कोरोना के चलते प्रभावित हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए DM धीरज सिंह गर्ब्याल की पहल पर लघु शिविर आयोजित हो रहे हैं। SDM के द्वारा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल सहित खंड विकास अधिकारी हरिशंकर पांडे, काला ढूंगी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे इत्यादि लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं काला ढूंगी से मुस्तजर फारूकी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर ये प्रत्येक ग्राम सभाओं में लघु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समस्त विभागीय जो समस्याएं हैं जनता की, चाहे खाद्य पूर्ति विभाग हो, समाज कल्याण हो, कृषि विभाग हो, अन्य महिला कल्याण और अन्य सभी विभागों को लेकर और जनता के बीच में जाकर, जो लोग रह जाते हैं दूर दरस्त के लोग और जो लोग नहीं आ पाते हैं विभागों में, कार्यालयों में नहीं पहुंच पाते, ये उन जनता की सुविधाओं के लिए ग्राम सभा में इस लघु शिविर का आयोजन किया गया है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सभी अधिकारी जो हैं वो गाँव में जाएँ और लोगों की समस्या को सुने, तो उसी राज्य सरकार की मंशानुरूप हमारे जो DM साहब हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया कि जो है प्रत्येक सप्ताह जो है उपजिलाधिकारी और BDO और बाकी सभी अधिकारी तहसीलदार वगैरह मिलके एक लघु शिविर आयोजित करें, छोटे स्तर पे हों, जिससे जो है सारे गांव कवर हो सकें और लोगों की जो समस्या है वो वहीं उन्हीं के बीच जाके हम उसका निस्तारण कर सकें। तो इसी का एक प्रयास में हमने आज शुरुआत की है और ये आगे भी जारी रहेगा। और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी निर्देश दिए हैं कि इसका एक रोस्टर बना के प्रत्येक मंथ का वो हम लोग उनको भी बताएं और जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं उनको भी बताएं और हर हफ्ते कम से कम एक दो गांव इसमें कवर हो। तो इसी मंशानुसार आज ये पहली बार हमने शुरुआत की है और आगे भी जो आने वाले महीनों में भी ये प्रयास जारी रहेंगे ताकि लोगों को जो है उनके घर पे उनके बीच में हम जाके उनको सर्विस दे सकें। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।